चिड़िया और तोता उड़ करते करते न जाने वो बचपन कहाँ उड़ गया। खैर छोड़िए, उड़ते परिंदे को तो हम और आप पकड़ नहीं सकते, पर उन लम्हों को याद कर हम खुश तो हो सकते हैं, है ना? तो आज हम जिएंगे हमारा बचपन इस पॉडकास्ट के जरिए, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या दिन थे वो भी, दोस्ती करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो उंगलियों को जोड़ना काफी था, क्योंकि तब हमें अहम शब्द का मतलब पता नहीं था। क्या दिन थे वो भी, जब कागज की कश्ती बनाकर उसमें चींटियों को बिठाकर बारिश के मौसम में एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे। क्या दिन थे वो भी, जब बड़ों को देखकर जल्दी बड़े होने की जल्दी होती थी, पर क्या पता था तब कि बचपन से ज्यादा खूबसूरत बड़ा होना नहीं होता। पड़ोस वाली आंटी के मुंह में लिपस्टिक लगा देख ये सोचना कि काश मैं भी जल्दी बड़ी होकर लिपस्टिक लगाऊं, पर क्या पता था तब कि बड़े होने पर वो लिपस्टिक तो क्या, इस भागदौड़ की दुनिया में खुद को ही भूल जाऊंगी। हंसी आती है मेरी उस नादानी पर, जब एक बार मेरी एक सखी ने मुझसे कहा कि पता है तुम्हें कि पेंसिल के छिलके और दूध मिलाकर रबर बनता है, और मेरा वो महीने भर पेंसिल के छिलके को इकट्ठा कर कर माँ से दूध मांगना, और फिर माँ का ये कहना कि अरे जा पगली, कहीं पेंसिल के छिलके और दूध से रबर बनता है क्या। याद है मुझे आज भी मेरी बनाई वो पहली रोटी, माँ को रोटी बनाते देख ये पूछना कि माँ मैं कुछ मदद करूँ। पहले तो माँ ने मना किया, पर बड़ी जिद करने पर मैंने एक रोटी बेली, और वो बेली हुई रोटी इंडिया गेट जैसी दिखती थी। ये देख माँ कहती है, चल हो गया, बस अब जाकर खेल, समय आएगा तो बनाना। शायद उस माँ को पता था कि वो बचपन लौट कर फिर नहीं आएगा। क्या दिन थे वो भी, पापा का कोर्ट से आना और आकर सबसे पहले काजू किशमिश और मेरी बिस्किट देना, और मेरा उनको बड़े चाव से खाना, नंबर कमाने पर डांटना और थोड़ी ही देर बाद बड़े प्यार से पुचकारना, मेरी गलतियों को माफ करना और प्यार से समझाना। क्या पता था तब कि बड़े हो जाने पर शादी हो जाएगी और मेरी इन गलतियों को माफ करने वाले, मुझे पुचकारने वाले वो पापा नहीं होंगे तब। हाँ तो दोस्तों, तो ये थी मेरी बचपन की कहानी मेरी जबानी। पर शायद मैं बचपन की बातें करते करते एक इंसान को आज भूल गई। और मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। अरे नहीं दिलीप, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है ऐसे कई और बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ आज, पर आज नहीं। वैसे दिलीप, आपकी भी तो बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें रही होंगी, है ना? हाँ वो तो है, मगर आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी, ओके। तो हम और हमारे श्रोता उस फिर कभी का इंतजार कर लेते हैं, क्यों श्रोताओं? वैसे पूजा, हमारे श्रोताओं के पास भी कुछ ऐसी खट्टी मीठी बचपन की कहानियां जरूर होंगी, है ना? बिल्कुल होगी, और हर किसी की होती है। तो श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसी कोई बचपन की खट्टी मीठी कहानियां हैं जो आप हमारे साथ और हमारे और श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उठाइए अपना फोन, रिकॉर्ड कीजिए और हमें भेज दीजिए। हम इंक्लूड करेंगे उन छोटे ऑडियो शॉर्ट्स को हमारे आने वाले एपिसोड्स में। तो अब उसी के साथ बढ़ चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, जहां हम बनाते हैं टेस्टी और अमेजिंग खाना, और जानते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं।
तो दुलब, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक ऐसी रेसिपी है जो कि मुझे आज भी याद है, जिसके लिए मैं वेट किया करती थी श्रावण आने का। श्रावण यानी कि श्रावण में जब सोमवारी किया करते थे, चार सोमवारी का व्रत होता था, माँ लोग किया करती थी, तो वेट किया करती थी। क्यों? क्योंकि तब ही ऐसा टाइम था जब घर पे पेड़े आया करते थे। मुझे भी याद है, जब मैं छोटा हुआ करता था तो पेड़े जो है वो बहुत कॉस्टली मिठाई हुआ करते थे, और कभी कभार ही घर पर पेड़ा आया करता था, और हम वेट किया करते थे। जब पेड़े आते थे तो हम सारे टूट पड़ते थे। बिल्कुल सही। पर आज अब जब मैं याद करती हूँ तो आज वो दिन है जब मैं खुद पेड़ा बना सकती हूँ और जब मर्जी तब खा सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि आज हम बनाने वाले हैं पेड़ा। तो चलिए फिर देखते हैं कि पेड़ा कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल चलते हैं, और हम अपने श्रोताओं को भी बताते हैं कि पेड़े कैसे बनाए जाते हैं, ताकि वो भी, उनको भी किसी ओकेजन की वेट करने की ज़रूरत ना पड़े पेड़े खाने के लिए, और घर में ही शुद्ध पेड़ा बना सके। बिकॉज आजकल जो है मार्केट में पेड़ा मिलता तो है, बट उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है। लोग प्योर खोआ का पेड़ा नहीं बनाते हैं, बहुत मुश्किल से ही मिलता है प्योर खोए का पेड़ा। तो हम जब घर पे बनाएंगे तब हम प्योर खोआ का पेड़ा बनाएंगे, है ना? बिल्कुल, वो बिल्कुल ही शुद्ध प्योर होगा। तो चलें बढ़े रेसिपी की तरफ। तो श्रोताओं, आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें बस तीन चीजों की आवश्यकता है, और वो है फुल क्रीम मिल्क 2 लीटर, चीनी 1 कप, और इलायची पाउडर 1 टीस्पून। That's right. So the ingredients for today's recipe is just 3 simple ingredients. You will need full cream milk about 2 liters, sugar 1 cup, and cardamom 1 teaspoon. तो चलिए बनाते हैं पेड़े की रेसिपी को। बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक सॉस पैन या एक पतीला लेंगे, या इनफैक्ट एक कढ़ाई ले लें, जो हैवी बॉटम कढ़ाई होते हैं, उसमें हमें दूध डालना है। इन 2 लीटर दूध को आप उसमें डाल दें, और हाई फ्लेम पर हमें इसे बॉयल करना है। जब ये एक बार उबाल आ जाए इसमें अच्छे से, तब हम आँच को थोड़ा धीमा कर देंगे, और उसको बॉयल हम करते रहेंगे तब तक जब तक कि इसकी क्वांटिटी रिड्यूस ना हो जाए, और ये बिल्कुल हाफ ना हो जाए, थिक ना हो जाए। और हम इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे, इस तरीके से हिलाएंगे ताकि जो बेस में दूध जो है चिपक कर जले ना। और आपको एक और चीज़ यहाँ पर करना है कि जब आप हिला कर इसे चलाते रहेंगे तो साइड्स में जो मलाई जमती रहेगी उसे भी आपको अच्छे से स्क्रैप करके दूध में वापस डालते जाना है। और इसे हमें बिल्कुल कुक करते रहना है, और तब तक करेंगे जब देखेंगे आपकी ये बिल्कुल थिक होने लग गया है, मलाई जैसा जमने लग गया है तब, और आप देखेंगे कि जो ये खोया है ये साइड्स छोड़ने लग जाएगा पतीले में से, तब समझ जाइए कि बारी है शुगर और कार्डमम पाउडर डालने की। और उसके बाद हमें डालना है चीनी और इलायची पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है, और तकरीबन 5 मिनट तक हमें लो टू मीडियम हीट पे फिर से पकाना है इसे बीच बीच में चलाते हुए। तो अब आप देखेंगे कि 5 मिनट के बाद जो है दूध है बिल्कुल थिक हो गया है, उस टाइम पर आप फ्लेम को बंद कर दें। इसको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मिक्सचर होगा वो पोरेबल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको उस टाइम पे भले ही लगे कि अरे ये तो बहुत पतला लग रहा है और पेड़े कैसे बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उसको डालेंगे दूसरे बोल में, उसे आपको ठंडा होने देना है, और ठंडा जब ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है मिक्सचर बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा ठंडा होने के बाद। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब आप देखेंगे कि मिक्सचर ठंडा हो गया है तो इस मिक्सचर को थोड़ा सा मसल लीजिए अच्छे से, जिस तरीके से आप आटे को गूंथते हैं कर सकते हैं ऐसे। और उसके बाद हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे, और घी लगाकर हम थोड़ा सा मिक्सचर निकालेंगे अपने हाथों से, उसे हल्का सा रोल करेंगे और हल्का सा दबाकर उसे कुकीज़ जैसा बना लेंगे उसका शेप। और इसके ऊपर आप चाहें तो कैसे भी तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं। चाहिए तो सिंपल अगर बनाना हो तो बस अपने थंब से जो है थोड़ा सा दबा देना है बीच में, आपने पेड़ा तो देखा ही होगा। और डिज़ाइन बनाने के लिए घर में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप यूज़ करके इसके ऊपर एक निशान बना सकते हैं, तो आपके डिज़ाइन वाले पेड़े तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। तो बस
यही करना है आपको पेड़ा बनाने के लिए। तो इसमें बस देखा जाए नेट तो और कुछ नहीं है, आपको एक पतीले में कढ़ाई में दूध बॉईल करते रहना है जब तक कि वो बिल्कुल थिक ना हो जाए, खोया ना बन जाए, बस यही करना है और उसके बाद पेड़ा बनाना है। क्विक लुक एट हाउ पेड़ा इज मेड। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइल मिल्क इन अ वाइड सॉस पैन ऑन हाई फ्लेम। Now once it comes to a boil, reduce the flame to a medium high and let it boil until the quantity of milk reduces to half and it thickens. Keep stirring it so that it doesn't stick to the bottom surface. Scrap the side cream and keep mixing it into the milk. Now cook over medium flame until it is of thick and dry consistency, and when you see the milk solid starts leaving the pan, add sugar and cardamom powder and mix well. Now cook for another 5 minutes on low to medium heat, stirring occasionally. The milk would have thickened by now. You can turn off the flame and take out the mixture in a separate plate and let it cool down. Now keep in mind that it has to be in a pourable consistency. So even if you see that it is slightly liquidy, it is fine. It will dry up and set in a little while, so don't worry. Now when it's cooled down, grease your palm with ghee and take a small part of the mix. Then roll it out a bit and slightly flatten it to make it look like a cookie. Press it from the center with your thumb to make a peda, or if you choose to make different kind of designs, you can go ahead and do it as per your choice. Prepare all of these pedas in the same manner and allow them to rest for about 4 to 5 hours before serving it. You can refrigerate them and you can eat them until about 8 to 10 days. बिल्कुल सही कहा दिलीप। तो दोस्तों इस पेड़े की रेसिपी को आप सर्व करने से पहले 4 से 5 घंटे इसको रेस्ट होने दें, उसके बाद ही सर्व करें, तभी ये इसका अच्छा टेक्सचर आएगा और खाने में ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और आप इसे 8 से 10 दिन तक आराम से रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि आपको इसे खाना है तो खाने से 5 से 6 घंटे पहले इसे बाहर निकाल दें, नॉर्मल टेम्परेचर होने दें इसका, और इसका मज़ा उठाए। तो है ना बड़ी आसान सी रेसिपी। That is right. और हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें बस ये है कि आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आप फुल क्रीम ही यूज करें, तभी आपका खोया ज्यादा बनेगा और उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। और दूसरी बात ये कि जब आप पेड़े बना रहे होंगे तब घी से अपने पाम हथेलियों को जरूर घी अपने हथेलियों पर जरूर लगा लें बनाने से पहले, ताकि ये स्टिकीनेस नहीं होगा बनाते वक्त। और तीसरी बात ये कि पेड़े के मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से पेड़ा जो है चुई हो सकता है। Some excellent tips to make your peda the perfect peda that you can make at home. So I guess that's all that we have for today's episode. That's all, Dilip. Wonderful. So don't forget to visit thetasteofindia.com to download a printable recipe card for this recipe. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn Radio, Hubhopper, Spotify, JioSaavn, Karma 2.0, Amazon Prime Music, and Samsung Music as well. You can pick your favorite platform, subscribe to the show, and stay updated with the latest episodes that we come out with. Don't forget to visit tasteofindia.com to download your free recipe cookbook there. That is all that we have for this episode. We'll be back again with another tasty recipe and some interesting chit-chat in a week from now. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.